अभी आप सभी लोग मुझे उत्तरांचल दीप चैनल पर देख रहे हो और ये है मेरा इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मेरी तरह काफ़ी सारे लोग पहाड़ों में अच्छा काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर आगे बढ़ रहे हैं या किसी भी कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी लाइफ की जर्नी, उनका स्ट्रगल आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है हम यूट्यूबरों के लिए या जो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ना उत्तरांचल दीप यूट्यूब चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज मुलाकात सुदूर पहाड़ी इलाके में एक फोन के जरिए अपनी पहचान बनाने वाली हीना फरसवाण और उनकी देवरानी भूमि फरसवाण से। हालांकि आप में से बहुत लोगों के लिए दोनों चेहरे नए नहीं होंगे, लेकिन आज इन दोनों ने ही उत्तरांचल दीप के कैमरे पर खुलकर की बात। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी यूट्यूब पे मेरी शादी के बाद। शादी से पहले मैंने यूट्यूब के बारे में ज़्यादा सुना भी नहीं था और देखा भी नहीं था। मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह नहीं देखती थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई उसके बाद ना मेरे हस्बैंड जी ने मुझे आइडिया दिया व्लॉगिंग का, तो तभी से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की और वो डेट था 16 अगस्त 2021 को। नमस्कार, मेरा नाम है भूमि और सभी लोग मुझे जानते हैं मयंक भूमि नाम से, और ये ना मेरा यूट्यूब चैनल भी है। मेरे हस्बैंड जी ने मुझे बहुत ज़्यादा कन्वेंस किया कि तू यूट्यूब में, लेकिन मैं इतना ज़्यादा शर्माती थी ना, बिल्कुल मतलब मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं यूट्यूब में जाऊँगी, क्योंकि ना मेरे घर पर मेरी जेठानी जी ब्लॉग बनाती थी, तो मेरे हस्बैंड जी बोलते थे तू भी भाभी से सीख और ना ब्लॉगिंग पे आ, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जी ने धीरे धीरे स्टार्ट किया। फर्स्ट दिन वो मुझे थोड़ा थोड़ा उन्होंने मेरे को सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराना सिखाया, उसके बाद आगे को ये बोल सकती है वो बोल सकती है बोला, लेकिन ना मैं फिर भी इतना ज़्यादा शर्माती थी कि मैंने पूरा एक महीना ना पूरा अपना शर्म से ही निकाल दिया कि यूट्यूब में पूरा एक महीना मैंने शर्म से ही निकाला। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि तुझसे नहीं होगा, अब तो कुछ काम की नहीं है ये वो, अब तो घर का ही काम कर करके। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं कर सकती हूँ। जब जिस दिन मुझे मेरे हस्बैंड जी ने ये सुनाया ना, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा अंदर से, फिर मैंने सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी यूट्यूब पर, और जो मेरा YouTube पे फर्स्ट ब्लॉग था वो ना मैंने अपने मायके का बनाया था। तो मैं अपने वीडियो में ना ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ों की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और उन्हीं चीज़ों को दिखाती भी हूँ। हमारे पहाड़ में शादी ब्याह होती है, पूजा पाठ होते हैं, मेले वगैरह होते हैं, तो मैं उसके व्लॉग्स बनाती हूँ और सारी संस्कृति लोगों के साथ पहुँचाती हूँ, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में देवी देवताओं की वजह से ना मैं आज इतने आगे बढ़ी हूँ, आज मुझे इतनी सफलता मिली है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह और साथ में जो पहाड़ों का कामकाज होता है ना वो चीज़ें दिखाती हूँ। हिना फरसवाण जिस गांव में रहती है वहां ठीक से नेटवर्क भी नहीं आता, समझ जाइए ऐसी परिस्थिति में व्लॉगिंग करना हर लिहाज से कितना मुश्किल होगा। इस गांव में मैं रहती हूँ, यहाँ पर ना नेटवर्क है ना ही नेट है, और इसके बावजूद मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करती हूँ, तो ये मेरे लिए ना काफ़ी ज़्यादा कठिन रहता है। किसी भी काम में अगर आप लोग आगे बढ़ते हो या किसी भी काम में आप लोग कदम रखते हो तो फैमिली का सपोर्ट होना ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़तेगी, मेरे फैमिली वाले सपोर्ट मुझे करतेगी, लेकिन बाहर से ना बातें सुननी स्टार्ट हो गई थी। यानी कि जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए घर से बाहर निकलती थी तो उसकी बात ना मेरे सासू जी को सुनाया जाता था कि क्या कर रही है, घर का काम काज सिखाओ। तो जब मैं गाँव में ना कैमरा बोलती थी तो सभी लोग ना मुझे देखे रहते थे, और स्टार्टिंग पे तो ना मैं कैमरा लेके बाहर ही नहीं आती थी, जैसे ही फ़ोन वगैरह ऐसे स्टैंड के साथ हाथ पर लूँगी ना तो सभी लोगों की नज़र मुझ पर रहती थी, तो उस टाइम पे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता था, शर्म भी लगती थी। मैं सोचती थी कि यार ये लोग मुझे देखें, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने ना एक दो दिन तो वीडियो बनाना ही छोड़ दिया कि लोग मुझे देखें। जितनी बार मैं कैमरा लेके बाहर रहा हूँ सब लोगों की नज़र मुझ पर रहती थी, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी, शर्म भी लगती थी, क्योंकि मैं बेटी नहीं थी, एक बहू थी, और बहू का व्लॉगिंग करना ना और भी ज़्यादा टफ होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मेरे लिए भी वही चीज़ थी, मुझे अंदर से घबराहट भी हो रही थी। दो चार दिन तो मैंने व्लॉग बनाना स्किप कर दिया था, फिर मैंने सोचा यार कितने दिन तक मैं स्किप करूँगी, क्योंकि मुझे बढ़ना तो इसी में आगे है, मैंने अपने यूट्यूब पे चैनल तो खोल लिया है और इसी को ग्रो करना है, इसी में अपने पहाड़ों की रीति रिवाज दिखानी है। तो जो लोग अभी मुझे सामने से देख रहे हैं बाद में वो फ़ोन में भी तो मेरी वीडियो देखेंगे, ये चीज़ मेरे माइंड में आई, तो मैंने ना व्लॉगिंग कंटिन्यू किया और लोग इधर उधर से देख रहे थे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डर लग रहा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हुई स्टार्टिंग में। और सबसे ज़्यादा ये रहता है कि गांव में ना अगर वीडियो बनाओ तो लोगों को उस टाइम पर पता भी नहीं था कि यूट्यूब नाम की भी एक चीज़ होती है, फ़ोन में यूट्यूब पर हम लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उससे हम लोग पैसे कमा सकते हैं, ऐसा ना किसी को भी पता नहीं था। स्टार्टिंग मैंने की थी इस गाँव से, तो सबसे बड़ी शर्म मेरी यही थी कि मेरे को अगल बगल वाले क्या कहेंगे, क्योंकि जब मेरी जेठानी जी ने स्टार्ट किया था ना तो बहुत सारे लोग बोलते थे री जेठानी यहाँ जाती है ऐसे बोलती है, लोगों को ऐसा बोलती है, लोगों के सामने वीडियो बनाती है, पूरे मार्केट में चलती है तो कैमरा लेके चलती है,
तो मैं सोचती थी कि सच में हाँ ऐसा तो करती है जेठानी जी। तो मैं खुद कह रही हूँ कि मेरे को जेठानी जी को देख के ना और जैसा लगता था कि मार्केट में भी चल रही है तो ऐसे ब्लॉग पकड़ ऐसे कैमरे पकड़ के चल रही है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन हाँ, जब मेरी शादी हुई और मैं अपनी जेठानी जी के साथ ना इधर उधर जाने लगी, तो मुझे लगा कि ये कोई गलत काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। अगर लोग इसका मजाक बना रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो मैंने सोचा, पहले तो मैं भी यही बोलती थी, मेरे सास ससुर भी बोलते थे, हमको भी दिखा। और लेकिन मैं पहले ना बिल्कुल भी अपने सास ससुर को बिल्कुल नहीं दिखाती थी। जब वो मेरे सामने नहीं होते थे ना, तभी मैं ब्लॉगिंग करती थी। लेकिन मेरी जो सास है ना, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, एक माँ की तरह उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। दोनों के लिए मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन दोनों को अपने ऊपर गर्व करने के लिए कारण भी बहुत हैं। हम लोग ब्लॉगिंग को मेंटेन करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारा ना घर का काम भी रहता है। अब तो हम लोगों ने गाय वगैरह भी खरीद ली है, साथ ही साथ हम लोग को ना इधर उधर घास के लिए भी जाना पड़ता है, और एक छोटा बेबी भी है। तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए ब्लॉगिंग करना। लेकिन फिर भी हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग को अपने पहाड़ से बहुत ज़्यादा प्यार है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, घर पर कर रहे हैं चाहे पहाड़ में कर रहे हैं, हम लोग घास काटने जा रहे हैं, तो हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, हम को उस चीज़ को दिखाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारी जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्की काम करते हैं, जैसे चट्टानों पे चढ़ती हैं, वहाँ से घास काट के लाती हैं। तो हमने सोचा, हम लोग तो देख रहे हैं ना सामने, और जो बाहर जो हमारी ऑडियंस बाहर बैठी है, तो हम लोग ना उनको भी दिखाएं। इसलिए हम लोग ना डेली ब्लॉगिंग भी करते हैं, साथ ही साथ काम भी करते हैं और घर का काम भी करते हैं। YouTube में जैसे मैं आगे बढ़ते गई, मेरे साथ ना काफ़ी सारे लोग जुड़ गए, कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट के, कुछ बाहर के। तो लोग ना कमेंट करते थे कि आपकी वीडियो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, एडिटिंग कौन करता है। सबसे ज़्यादा ना लोगों को स्टार्टिंग में मेरी एडिटिंग पसंद आती थी और एडिटिंग करते थे मेरे मिस्टर जी। अभी तो धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे सिखा दिया है, लेकिन स्टार्टिंग में ना सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे हस्बैंड जी ने। एडिटिंग भी वही करते थे, सूट का काम भी वही करते थे, और सबसे ज़्यादा हेल्प भी वही करते थे। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि घर में काम है यार, वीडियो नहीं बनानी है, लेकिन लोगों के कमेंट आते हैं यार आप आजकल वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। क्योंकि जैसे हमारे घर पे एक फैमिली है, वैसे हम लोगों ने यूट्यूब पे भी एक फैमिली बना रखी है। उनको ना हर दिन कुछ ना कुछ देखना अच्छा लगता है। वैसे तो बागेश्वर से पढ़ाई की है, विवेकानंद से, तो मैं जब वहाँ ना हमारे टीचर लोग हमसे हमारा एम पूछते थे, तो सब लोग बोलते थे डॉक्टर, पुलिस, तो हमेशा मैं यही बोलती थी हाउस वाइफ। तो मेरे को टीचर पूछते भी थे तो क्यों ऐसा क्यों बोलते तो हाउस वाइफ करके, क्योंकि सब लोग तो बोलते हैं ना कि डॉक्टर बनेंगे, पुलिस बनेंगे, तो तू ऐसा क्यों बोल रही है। तो मैं उनको एक ही बताती थी कि जो फैमिली हर कोई जो आगे बढ़ना चाहता है ना, वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को देख के ही बढ़ता है। तो मेरे को पता था कि मेरे फैमिली वाले 12th के बाद ना मुझे MBBS करवा पाएंगे, चाहे मैं कितना भी मेहनत करूँगी, क्योंकि हर कोई इंसान जो होता है अपने पीछे फैमिली को ही देख के चलता है। तो मुझे पता था कि मेरी शादी 12th पास करूँगी, उसके बाद मेरी शादी हो ही जाएगी, क्योंकि मम्मी लोग पापा यही बोलते थे कि हम तुझे पढ़ा रहे हैं, बाद में तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और हम लोग अभी तुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले से माइंड में सेट था कि मम्मी पापा से कि तेरी शादी होगी तो होगी। तो मैं इसलिए टीचर से सीधे बोलती थी कि मैं हाउसवाइफ ही बनूंगी करके। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, जो उत्तरांचल दीप चैनल है, जो हमारे पहाड़ों में अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो छुपे रहते हैं, पीछे ही होते हैं, तो उन लोगों को ना आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आप लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग ना उत्तरांचल दीप चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।